रिपोर्टर जी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं और मेरे साथी मनीष जी हैं और लगातार एल्विश यादव को लेकर के हम लोग लोगों के बीच में जा रहे थे, सच्चाई का पता लगा रहे थे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो जरूरी काम होता है वो पत्रकारिता में ये होता है कि सच्चाई के पीछे भागना और सच्चाई की उस हद तक जाना कि कोई किसी पे एक जरा सा भी सवाल या निशान ना खड़ा कर दे। तो मनीष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मनीष, क्या कुछ कार्य प्रणाली रही है अभी पूरे? हमने अपने भी दिल्ली से नोएडा से पूरा इसको एल्विश को पूरा कवर किया। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे एल्विश यादव को लेकर के? जो पूरा एक स्नेहरियो चल रहा था उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत से बात करें एल्विश यादव के केस की, समझिए कि एल्विश यादव का केस स्टार्ट होता है नवंबर के महीने से ये केस स्टार्ट होता है और अब मार्च का महीना चल रहा है। 4 महीने का वक्त पुलिस लेती है पूरे चीज़ों को जांच पड़ताल करने में। नोएडा पुलिस 4 महीने तक का जो वक्त है वो लेती है। 4 महीने का वक्त बीतने के बाद बात करें तो एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है नोएडा। नोएडा बुलाने के बाद जब वो पूछताछ के लिए वहाँ पे पेश होते हैं, वो समझे स्टार्टिंग से ही एल्विश यादव ये कह रहे थे मैं पुलिस के साथ हूँ, पुलिस को कॉपरेट कर रहा हूँ। और उसके बाद जब एल्विश यादव वहाँ पे उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और पूछताछ करने के बाद पुलिस उनको तुरंत वहाँ पे गिरफ्तार कर लेती है। अब समझे चीज़ें कितनी ज़्यादा, वहाँ से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती है कि आप पूछताछ के लिए किसी को बुला रहे हैं, वो पूछताछ के लिए से आपके पास आ रहे हैं, उनके पास में ऐसा कोई तैयारी नहीं करके आए थे कि आज मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। वो वहाँ पहुँचते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद अब उनको कोर्ट 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बीच में अब पूरा का पूरा गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। तमाम मीडिया चैनल हो, तमाम रिपोर्टर जी, एकमात्र ऐसा चैनल था जो शुरुआत से जब हमारी इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई, जब सारी चीज़ें हमने इसको ध्यान से जब ये केस पूरा स्टडी किया, तब जाके सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे पास में भी आई कि कहीं ना कहीं एल्विश जो है वो बेगुनाह है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो जो है उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं बात करूँ, देखिए जब से हमने इसको मुहिम की शुरुआत की थी एल्विश #एल्विश कि बेगुनाह है या उसने कोई जुर्म किया है, वो बात का विषय था। पर अगर मैं बात करूँ वैसे जनरली, जब आप भी फील्ड में गए तो आपको क्या कुछ रिएक्शन मिला एल्विश को लेकर के? क्योंकि मैं भी जब फील्ड में गया था तो मेरे को कई सारे लोग मिले, गांव की तरह के लोग मिले। कई लोगों ने कहा कि आप मीडिया से हैं तो आप क्या गलत न्यूज़ क्यों दिखा रहे हैं एल्विश के बारे में? तो आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है? मैंने वही आपको चीज़ बताने की कोशिश की, जब वो 14 दिन का जैसे पुलिस ने उनको कोर्ट की तरफ से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी सुनाई गई तो अब लोगों ने और बाकी जो मीडिया चैनल है उन्होंने उनको इस तरीके से प्रिडिक्ट कर दिया कि ये अब गुनहगार है, क्या इन्होंने गुनाह कर दिया है। पर पुलिस के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं थे। जब आगे ये केस के में जब बेल पेटिशन दाखिल की गई, जब बेल के लिए अपील किया गया, तो पहले दिन देखिए उसी 2 दिन के बाद कोर्ट के अंदर वापस शाम के 4 बजे के आसपास एल्विश को पेश किया जाता है, क्योंकि पुलिस ये बोलती है हमसे गलती हो गई है, जो धाराएं लगाई हैं उनमें हमसे कुछ गलतियां हो गई है। और फिर कोर्ट कहती है कि आप जो धाराएं लगा रहे हैं, जो इतने बड़ी बड़ी धाराएं आपने NDPS की लगाई है, क्या आपके खिलाफ इसके लिए सबूत हैं? तो वो कहते हैं नहीं, हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं और अभी हम सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत जुटाने में लगे हुए। तब जाके कोर्ट कहती है कि अगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं है तो आप ये सेक्शन कैसे लगा सकते हैं? और उसके बाद जो है सेक्शन में बदलाव किए गए। सेक्शन ऐसा लगता है भाई कि कहीं ना कहीं एल्विश यादव पे एक जब केस दर्ज हुआ तो कहीं ना कहीं राजनीति इतनी शुरू हो गई थी, ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि जब मैं फील्ड में उतरा तो मेरे को ऐसा बोला गया कि इसको बच्चे को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, अभी इसकी एज नहीं है और इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तंत्र के चलते, क्योंकि बताया जा रहा था कि उन्होंने किसी को रोस्ट भी किया था, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुई थी, क्या था मामला? अभी यूट्यूब की दुनिया ऐसी है, जब हम यूट्यूब की बात करते हैं स्पेसिफिक, तो वहाँ पे जो कंटेंट है वो कंटेंट किस तरीके का कंटेंट है। देखिए, आप रोस्टिंग की बात करेंगे तो भी, अगर रोस्टिंग की बात करते तो भी एल्विश के साथ है लोग, बिल्कुल हाँ। अगर वो कुछ ऐसा रोस्ट करते तो लोग उनके खिलाफ होते, पर उनके जो रोस्ट वीडियो है उसमें भी लोग अभी तक उनके साथ है, जो उनका फैन फॉलोइंग है, छोटा मोटा फैन फॉलोइंग नहीं, एक चैनल यूट्यूब चैनल पे उनके 15 मिलियन से ऊपर है, एक पे 8 मिलियन के आसपास है, इंस्टाग्राम पे रोस्ट तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो
कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं, लोगों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, और यूट्यूब और हमारा संविधान ये हमको ये छूट देता है कि ये हमें हम हमारी बात हमारे तरीके से कहीं पे भी रख सकते हैं, और उस संविधान को आप लेके ये नहीं कर सकते कि रोस्टिंग वीडियो आज, क्यों आज हमने जब एलिश को देखा कोर्ट में तो हमें कहीं ऐसा नहीं लगा, हमने बकायदा उनसे बात करने की कोशिश करी, और जब हम उनको उसको भी पता था पूरी एक एक पॉइंट पे कि कौन टीवी न्यूज़ चैनल उनके माता पिता को बिठा रहा है और उनसे किस तरह की बातचीत कर रहा है, और उन्होंने आज बड़े एक अच्छा अंदाज में ये भी कहते नज़र आए कि मेरे को आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, उनके पिताजी ने भी कहा, रिपोर्टर जी के बारे में शायद उनको कैसे पता लगा मेरे को जो सुनने में आया, और उन्होंने भी कहा कि ऐसा क्या था कि एल्गर एल्विश को लेकर के इतनी बातें बना दी गई, इतना माहौल बना दिया गया। आपको देखो जो मैंने अनुभव किया है गुरुग्राम में, क्या दिल्ली एनसीआर में जब आपने एल्विश को लेकर बात करी तो आपको उनका क्या लोगों का रिव्यू मिला, क्या एल्विश इस तरह के जो सांपों के जहर की जो पार्टीज में सप्लाई करने की बात कही जाती है, आपको क्या लगता है कि जो बातों के दौरान लोगों से पूछने में पता लगा होगा कि क्या एल्विश ऐसा कर सकता है? देखिए मैंने तो उनके गाँव के लोगों से भी बात की, जहाँ पर उनको कोर्ट में पेश किया गया वहाँ के जो वकील, जब हियरिंग हो रही थी, जब उनकी हियरिंग चल रही थी, जब कोर्ट के अंदर तमाम बातें रखी गई, वो वकील जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की, तो सब लोगों ने एक चीज़ कहा कि एल्विश का नेचर ऐसा नहीं है, एल्विश इस तरीके के व्यक्ति नहीं है। जो तमाम जो चीज़ें देखिए, कहीं पर भी जाइए एल्विश के खिलाफ कोई नेगेटिव साइन आपको देखने नहीं मिलेगा। सागर ठाकुर के साथ भी कई सारी बातचीत हुई थी, और सागर ठाकुर ने भी आज कहते हैं मुलाकात की मेरे से, और जब मैंने उससे पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कोर्ट में, क्या फिर से आप इस पे याचिका दायर करेंगे या इसको कोर्ट को कहीं और हाई कोर्ट में ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने बड़ा साफ किया, सागर ठाकुर ने कहा कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, हमने कोशिश की थी उनसे भी बात करने की पर वो वहाँ से चले गए उस दौरान जब एलवी यादव को ले जाया जा रहा था, उनसे भी फिर से हम जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे, हम कॉन्टैक्ट बना रहे हैं उनसे कि अगर वो भी हमारे साथ, अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार हमारे साथ हमारे पेज पर आकर, डिजिटल पेज पर आकर हमसे जुड़े, मैं मेरे साथी मेरे सीनियर आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कई सारे सवाल जवाब हमारे पास आ रहे हैं, लोगों के सवाल जवाब आ रहे हैं, तो मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी इसको क्योंकि अभी हमारे कई सारे और भी काम हैं, हमें उनकी तरफ भी जाना पड़ेगा क्योंकि आप तक हमें एक एक अपडेट पहुंचानी है, तो हम लगातार जो रिपोर्टर जी की टीम है आपके साथ जुड़ी रहेगी, पर मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि आप जितने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं हमें ये है कि हम सभी के आपके कमेंट्स का जवाब हम एक सुनिश्चित तौर पे एक एंगल बना रहे हैं जहां पर हम आपके सभी जवाबों को एल्विश से और उनके जो परिजन हैं या उनके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन सबसे उस तरह के सवाल कोशिश करेंगे कि आप लोग भी क्या कुछ कह रहे हैं एल्विश को लेकर के। अभी इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे कंटिन्यू फिर से इस बातचीत का दौर जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिपोर्टर जी पे बाकी अपडेट और जानकारी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि पल पल की खबर आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी।